नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विषय में जो ये मीडिया चैनल आप तक नहीं पहुंचाते, और इसीलिए हम खास ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, ताकि भारतीय जनता को और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये पूरी अंदर की बात मालूम पड़ सके, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई आपके सामने आ सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले दो चार महीनों में, उत्तर 2022 में, यानी अब ये दिसंबर की 26 तारीख है आज 2021 की, आने वाले तीन से चार महीनों में, ज्यादा करके दो महीनों में, उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार यानी 2017 में जब चुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इस बार भी क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से? वो तो साफ साफ सी बात है कि वो तो लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं, ये जानना और समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही जानने और समझने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, पहले तो आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जानकारी ले लीजिए। इनका जो जन्म हुआ था, वो इनके पिता का नाम है अजय मोहन बिष्ट, और 9 जून 1972 को इनका जन्म हुआ था। वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, पौरी में, जिला पौरी, गढ़वाल, जिला गढ़वाल, उत्तर प्रदेश। तो इस तरह ये जब 1990 के आसपास ये राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था उसमें ये चले गए, यानी ये लगभग उस समय 18 साल के थे। और आपको बता दें कि ये जैसे ही इसमें गए, उसके बाद ये मठ के ये बने हैं, गोरखपुर के मठ के प्रमुख हैं। ये जो चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, इन्होंने लगभग 5 चुनाव लगातार एक के पीछे एक वो चुन करके आए हैं, जीत करके आए हैं। 1998, 1999, 1999, 2004, 2009 और 2014। और आपको ये भी हम बता दें कि ये 19 मार्च 2017 से मुख्यमंत्री हैं, और इन्होंने जो पहली कैबिनेट की बैठक ली, मीटिंग ली 4 अप्रैल 2017 को, उसमें इन्होंने लगभग 87 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितना कर्जा था हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, $4.8 बिलियन, यानी इसका लगभग ये होता है कि 363.59 बिलियन रुपए इन्होंने माफ किए, करवाए सरकार से पहली कैबिनेट के बैठक में। यानी ये किसानों के कितना पक्ष में काम करते हैं, और पक्ष ये जो हमारे किसान है देश के, उत्तर प्रदेश के, उनका ये कितना ख्याल रखते हैं, ये बात इसी से समझ में आ जाती है स्पष्ट रूप से। आपको हम और एक बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं, वो उसलिए आपको ये जो अब एक वीडियो है ये आपको देखना पड़ेगा। आप आइए, हम सभी इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले, मुलायम सिंह यादव खुद कई बार संसद सदस्य और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों से कई बार सांसद रहे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने समाजवादी के टिकट पर लखनऊ कैंट की सीट से 2017 का चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश में विधायक और मंत्री रहे। शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। मुलायम सिंह यादव के दूसरे भाई अभय राम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव उत्तर प्रदेश से 3 बार सांसद रहे। उत्तर प्रदेश धर्मेंद्र यादव की भाभी वंदना यादव हमीरपुर से जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। अभय राम यादव की पुत्री, ये माया जाल है शब्दों का, सुनते रहे, नहीं अभी आपको सुनना पड़ेगा एक मिनट बाद। अभय राम यादव की पुत्री शीला यादव जिला विकास परिषद की सदस्य रही। अभय राम यादव की दूसरी बेटी संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। मुलायम सिंह यादव के अन्य भाई राजपाल यादव की पत्नी पुत्री प्रेमलता यादव और अभिषेक यादव इटावा जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। मुलायम के दूसरे भाई मुलायम के भी दूसरे भाई रतन सिंह यादव के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव, ये लालू वाले तेज प्रताप सिंह नहीं, उनका नाम भी सेम है, तेज प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रहे। और तेज प्रताप सिंह यादव ने मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव की बेटी से शादी भी करी। ये हो गया। रतन सिंह यादव की बहू मृदुला यादव सफाई की प्रखंड विकास परिषद में रही। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव, वो 1992 से राज्यसभा के सांसद हैं। रामगोपाल वर्मा के बेटे अक्षय यादव उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सांसद रहे।
तो ये मायाजाल में आपके दर्शकों को और अपनी किताब में इसलिए लगा, आप थोड़ी देर कंफ्यूज होंगे इतने सारे यादव कि ये था परिवारवाद, ये हल्का फुल्का नहीं है, केवल अखिलेश और मुलायम तक सीमित नहीं है, केवल ये रामगोपाल वर्मा और शिवपाल तक सीमित नहीं है, उसका भाई, उसकी पत्नी, उसका साला, उसका दामाद, सबको कैसे में राजनीति मिले, उसकी काबिलियत है नहीं है, उसने वो सामाजिक काम करा है नहीं है, क्योंकि वो सैफई खानदान से आता है, क्योंकि मुलायम के खानदान से आता है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, इनके परिवार का आपको मालूम ही नहीं है। दोस्तों आपने अभी ये इस वीडियो को देखा और ये जो व्यक्ति बता रहे थे, इनका परिचय भी हम आपको दे दें, इनका नाम है वाई सत्यकुमार और ये नेशनल सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन्होंने ये जो हकीकत बयान की है, इनका क्या परिस्थिति है आपको बता दें, ये अंडमान निकोबार के, ये अंडमान के भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज हैं, और दूसरा ये चेयरमैन है स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन आंध्र प्रदेश के, तीसरा फाउंडर है, एनजीओ है संस्कृति नाम से, उसके ये फाउंडर है। तो इन्होंने ये जो पूरी हकीकत सामने रखी डायनेस्टिक रूल की, यानी ये जो पारिवारिक जो मसला है राजनीति में, वो चाहे मायावती का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, यानी ये जो सारे नेता है वहां पर, अखिलेश कुमार हो, अखिलेश कुमार यादव, या उनके पहले मुलायम सिंह यादव थे, या इनके सब घर के लोग, इनके सारे रिश्तेदार, ये कैसे अपनी मक्तेदारी बना करके बैठे हैं राजनीति के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर देश के और कई प्रांतों में, ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। और इसी चीज को भारतीय जनता पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये इस चीज को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। किसी परिवार की गुलाम ना ये जनता होनी चाहिए, ना ये सरकार होनी चाहिए, और ना ये राजनीति होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा देय है। योगी आदित्यनाथ वो तो मठ के अधिपति हैं, उनके ना कोई आगे ना पीछे, सांसारिक जीवन उन्होंने कब का त्याग दिया है, वो आज ये जो काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सांसद के तौर पर इसके पहले कर रहे थे, तो वो इनको जो हिंदू समाज, संत समाज, उनके तरफ से वहां प्रतिनिधि बनाया गया था, उनको टिकट देने के लिए कहा गया था भारतीय जनता पार्टी को, कि हमारे समाज का भी कोई प्रतिनिधि वहां पर संसद में होना जरूरी है, होना चाहिए। तो इस तरह से ये राजनीति जो गलत रास्ते पे जा रही है, इस तरह के लोग ही उसे सुधार सकते हैं, इस तरह के व्यक्तियों की राजनीति में अस्तित्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर ये राजनीति कहीं भटकने लग जाए तो उन्हें उस प्रदेश का, उस राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या फिर नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो कि जब राजनीति और सरकार भटकने लग जाए तो उन्हें प्रधानमंत्री वहां का बनाया जाए। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है, ये हमने आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी समझा कि ये जो पूरी हकीकत है ये क्या है, नहीं है, किस तरह से लोगों को भटकाया जाता है, राजनीति और जनता को अपने भगोती समझ के इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को शराब बांट करके, पैसे बांट करके वोट करवा दिया जाता है उनसे, इस तरह की ये जो गलत काम होते हैं, ये सबसे जरूरी है कि आप लोग दूर रहें। योगी आदित्यनाथ जैसे जो स्वच्छ चरित्र के लोग हैं, स्वच्छ इमेज के लोग हैं, स्वच्छ प्रतिमा के लोग हैं, और उनका कारोबार बिल्कुल स्वच्छ है, कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की, बनाने की कोशिश की थी, तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो विफल हो गए। आज आप देखते हैं कि किस तरह भू माफिया यानी लैंड माफिया की जो है, या किसी और तरह के गुंडे हो, उनकी जो संपत्ति है वो किस तरह से जब्त की जा रही है। ये जो आंदोलन के अंदर तोड़फोड़ करते हैं सार्वजनिक संपत्ति का, यानी राज्य सरकार की संपत्ति, जो जनता की संपत्ति है, इन लोगों की संपत्ति किस तरह से जब्त की जाती है। अभी उसी संपत्ति पर, उसी जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनवाए जाने हैं, इस तरह की जानकारी हमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के सूत्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह के अच्छे अच्छे काम जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, तो उससे स्पष्ट रूप से जाहिर है, कोई ओपिनियन पोल लेने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जिट पोल की जरूरत नहीं है। पिछली बार जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी, उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा काम किया है, वो जो कहते हैं ना तारीफ काबिल, ये तो उर्दू वगैरह लफ्ज हुआ, लेकिन भारत के संस्कृति में इसे अगर कहा जाए तो उत्तम नहीं, अति उत्तम काम किया है। और वहां की जो जनता है वो पूरी तरह से समाधानी है। है वहां पर कुछ ऐसे जो क्या कहते हैं कि कभी जिनका समाधान नहीं होता, वो लोग कुछ ना कुछ इस तरह की बातें फैलाएंगे, किसी ऐसी बातों में आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
विश्वास के साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने आगे भी काम करना है, पूरा सहकार्य दे करके। और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से कहा जाता है कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो कश्मीर के लिए कहा जाता है कि वो यही है, यही है, यही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को अगर स्वर्ग बनाना हो तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ सहकार्य करके काम करने में, और उसी काम करने से ही वहां पर स्वर्ग बन सकता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश वाले भी गर्व से कह सकेंगे कि धरती पर, पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां बड़े बड़े छोटे छोटे हाईवे बन रहे हैं। केंद्र सरकार के नितिन गडकरी जी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनके सहकार्य से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो किस तरह से पूरा समन्वय रख के पूरा काम केंद्र सरकार को वहां करने दे रहे हैं। जो राज्य सरकार की जवाबदारी है वो राज्य सरकार पूरी कर रही है। जो स्टेट हाईवेज है यानी राज्य के जो हाईवेज हैं वो राज्य सरकार बना रही है, नेशनल हाईवेज केंद्र सरकार बना रही है। इसी तरह से प्रगति आगे चलती रहे, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता आगे बढ़ती रहे, इसी शुभकामना के साथ हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी जरा नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके हमें आपकी राय जरूर बताएं। और इसके व्यतिरिक्त आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के हर नागरिक तक और उत्तर प्रदेश के हर नागरिक तक ये जानकारी जा सके कि किस तरह से एक छोटे से घर में जन्मे योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश को किस तरह से विकास के रास्ते पर ले जाकर के आगे बढ़ा रहे हैं और विकास की गति को काफी सब बढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपको हमारे हर वीडियो की और हर एपिसोड की जानकारी प्राप्त हो सके और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही सही जानकारी प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।